आज हम बात करेंगे लम्भा विधायक देवमणि द्विवेदी जी से, जो वहां के विकास कार्य के बारे में बताते हुए योगी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अगले चुनाव के बारे में बताएंगे जनता से, अपनी समस्याओं और अपनी उपलब्धियों के साथ नई चुनौतियों को भी साझा करेंगे। क्या प्रमुख कार्य रहे आपके कार्यकाल? लभुआ में छोटे बड़े कुल 16 पुल बने हैं और 16 पुलों में से 5 तो गोमती नदी पर ही बने हैं, 3 पीली नदी पर बने हैं और 5 जो डिवाइस पर बने, डिस्ट्रीब्यूटरीज पर बने हैं, रजबहों पर बने हैं, और 3 मिसलिनियस बने हैं नालों पर, ड्रेन्स पर। रामायण काल के नामों के साथ इनको जोड़ा गया है, कुछ परिचय दीजिए। जी हाँ, पुलों का जो नाम जो है वह किन्हीं महापुरुषों का नाम उसमें याद किया गया है, जैसे बिजिथुआ महावीरन को कोयरीपुर से हमारी विधानसभा से जोड़ने वाला पुल है, गुदरा का पुल, उसका नाम महावीरन सेतु रखा गया। निषादराज सेतु नाम रखा गया है मलहीपुर के सेतु का। धोपाप धाम स्वयं एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाम है, भगवान राम ने वहाँ स्नान किया था तो धोपाप धाम सेतु है। बभन गवां सेतु जो है गोमती पर, इसका नाम रखा गया श्री राम कार सेवक सेतु, क्योंकि राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए जो कार सेवक जा रहे थे उन्हें उन्हीं रास्ते से हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और सनातनियों ने सब उनको उसी घाट से पार किया था, तो उसका नाम श्री राम कार सेवक सेतु रखा गया। इसके अलावा एक सच्चिदानंद सिंह जी थे, वह सच्चिदानंद महाराज बन गए थे, देवलपुर सहनवा बजरंग विद्यापीठ इंटर कॉलेज की स्थापना की थी उन्होंने, एक हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, तो उनके नाम पर सच्चिदानंद सेतु भी पड़ा। इसके अलावा भी और जितने सेतु हैं, एक संतोषी वर्मा सेतु जो बालमपुर ड्रेन पर है, इसी तरह से एक कोयरीपुर में जो पीली नदी पर है, वह भी वहाँ के जिन सेठ ने बनवाया था उस पुल को लकड़ी का, उन्हीं के नाम पर वहाँ पर पक्का सेतु बना। तो हर सेतु को किसी न किसी महापुरुष से, किसी किसी रामायण कालीन घटनाओं से जोड़ करके रखा गया है। आज किसान बिल पर एक कार्यक्रम है, आपके महिला मोर्चा की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? लोक के किसी हिस्से के मन में उसको लेकर कोई गुरेज है या विपक्षी लोग उसको एकदम जलेबीदार बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं या उसकी आड़ में कोई और आंदोलन या कोई गड़बड़ झाला करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त सावधानी के तहत उसको वापस ले लेने में कोई किसी का वो स्वाभिमान नहीं जाता है। वह तो भाई जी, एक जनसंख्या कानून पर आपकी बहुत अच्छी रचना आई थी, अभी तक क्या प्रगति है जनसंख्या कानून को लेकर? आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि भारत माता का पैगाम, दो या दो से कम संतान। आप देखें विजयादशमी के अवसर पर परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी इसी बात को दोहराया कि परम पूज्य का बड़ा बयान, विजयादशमी पर ऐलान, भारत माता का पैगाम, जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर बिल लाया है। और है क्या कि जब पूरे देश में कोई कानून लागू करना है तो एक बड़े प्रदेश में उसको लागू करके और उसके प्लस और माइनस को जान करके फिर उसको पक्का और प्रौढ़ करके पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया जाए तो उसमें और भी अच्छाई आती है। लोक मंगल, लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक हित, और लोक हित से ही लोकतंत्र चलता है, तो लोकतंत्र की उपलब्धि के लिए हम लोक हित का सहारा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन, हिंसा उन्मूलन दिवस है आज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे नारे से यह कहा जाता है कि तमाम वह लड़कियां जो सोहदों के क्षेत्र से या जो म्लेच्छ टाइप की मानसिकता जिनकी होती है, उधर से गुजरने वाली लड़कियों पर जो सोहदे छींटा कसी करते थे, अब आज उनकी हिम्मत पस्त हो गई है। और आज जो दिवस मनाया जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण या हिंसा मुक्ति, वह उसी दिशा में अगला कदम है, वह हमारी नियत नीति रीति और प्रतीति सबके अनुकूल है। लम्भा विधानसभा चुनाव आगे है जी,
सपा भी जोर लगा रही है, ब्राह्मणों का क्षेत्र माना जा रहा है, किस रूप में देखते हैं, कहां तक स्थिति क्या कहां पे है? देखिए, ये विपक्षी लोग जात की राजनीति तो सपा बसपा कम्युनिस्ट और कांग्रेस करते हैं, और कम्युनिस्ट तो मान लीजिए उसी में जाति के साथ हिंसा भी। हमारी सरकार सबका साथ विकास और विश्वास जरूरी होता है, माइक माला मंच सजाकर बड़ी बड़ी कुछ बोल न देना, राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। तो इसलिए इसकी जात की बात नहीं है, हम नहीं जातिया नहीं गोत्र बंधन के, हम शुभ चिंतक हैं, भारत के जन जन के। तो हम लोग सबको समाहित करके सबको एक साथ लेकर के चलने के हामी हैं। हाँ, विपक्षी लोग कुछ चंदा चुटकी लेकर के चुटकी लेना चाहते हैं, उनको चुटकी लेने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और हम लोग तो जैसे बहुदेववाद है, तो हम तो यह मान करके चलते हैं कि भगवान राम में भगवान परशुराम में कोई तात्विक भेद नहीं है, उसी तरह से ब्राह्मण और अब्राह्मण में तात्विक भेद नहीं है, सब सनातनी हैं, हम भी हैं सनातनी, तुम भी हो सनातनी, तो काहे की तनातनी। और यहाँ तक है कि हिंदुस्तानी और तालिबानी यह क्लियर कट भेद है, हिंदुस्तानी हैं तो साथ हैं, और अगर तालिबानी हैं तो आपको ताल ठोंकने नहीं दिया जाएगा, आपकी ठोकाई हो जाएगी। योगी जी सरकार की, मोदी सरकार की एकदम स्पष्ट है। और जैसे भारत में, भारतवर्ष में, विश्व भर में मोदी जी, जैसे प्रदेश भर में और देश भर में योगी जी, उसी तरह से आप लंबुआ के लिए और क्षेत्र के लिए देवमणि द्विवेदी जी को मान सकते हैं, तीनों में कोई भेद। बहुत अच्छा संबोधन दिया है देवमणि द्विवेदी विधायक लंबुआ ने, इन्होंने कहा है कि तालिबान और हिंदुस्तान दो चीज़ों को देखकर चला जाए, और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भाजपा सरकार आवश्यक है, ये जनता के से आह्वान किया है आपने। आशुतोष मिश्रा, ETV भारत सुल्तानपुर।